टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दो दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी मुंब्रा में ट्रैफिक की समस्या को लेकर कि जिस तरह से मुंब्रा शहर में रोड के दोनों तरफ इलीगल पार्किंग की जाती है और उसके वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है, खास करके कौसा कब्रस्तान से लेकर और जो शिमला पार्क तालाब है यहाँ तक जो ट्रैफिक जाम की स्थिति सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर रोड के बीच में कोई भी डिवाइडर नहीं बनाया गया है। लेकिन हमारे खबर दिखाने के बाद अब आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है ड्राम लगाया जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं विकास का ड्राम जो है यहाँ पर लगाकर और रस्सी के सहारे लगाया जा रहा है, ताकि जो शिमला पार्क से लोग आते हैं वो एक साइड से जाएं और जो मुंब्रा स्टेशन से लोग आते हैं वो एक तरफ से जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइडर बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस तरह की कैमरामैन से चाहिए दिखाने के लिए, इस तरह की जो इलीगल पार्किंग यहाँ पर की गई है, इस पार्किंग को यहाँ से जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक ट्रैफिक की समस्या हल होती नजर नहीं आएगी। इसी तरह से इलीगल पार्किंग रोड के दोनों तरफ मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लेकर वाई जंक्शन तक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन शासन प्रशासन इस पर खामोशी साधे हुए है, कोई भी इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हालांकि खबर दिखाने के बाद थोड़े बहुत हरकत में शासन प्रशासन के लोग जरूर आए और बीच रोड पर अब विकास का ड्राम इसी तरह से लगाकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको दिखा दें कि दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हॉकर जो है धंधा लगाते हैं और एक तरफ का जो एरिया है यहाँ कौसा कब्रस्तान से शिमला पार्क जाने के लिए, उस तरफ पर जो है ट्रैफिक जाम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इलीगल तरीके से पार्किंग की जाती है और दूसरे तरफ पर जो है वो हॉकर्स यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पर रोड की चौड़ाई काफी कम है। और अब जो है ये रोड को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तरफ से मुंब्रा स्टेशन से शिमला पार्क जाने के लिए और दूसरी तरफ से शिमला पार्क से मुंब्रा स्टेशन जाने के लिए। अब एक तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इलीगल तरीके से पार्किंग की जाती है और एक तरफ हॉकर जो है उनके वजह से यहाँ पर जगह काफी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति काफी ज्यादा होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस तरह के ड्राम लगाकर कब तक ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि ये ड्राम जो है इस तरह के पहले भी यहाँ पर लगाए गए थे और कुछ दिन के बाद ये ड्राम रोड पर ही गिर जाते हैं, एक इस साइड गिरता है एक उस साइड गिरता है और आने जाने वाले लोगों को फिर काफी तकलीफ इन ड्राम की रखने की वजह से भी होने लगती है। हालांकि जब ये रखा गया है अभी तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि लोग बराबर एक साइड से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस ड्राम को यहाँ से आने जाने वाले लोग गिरा देंगे उस समय यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन आखिर मुंब्रा शहर में जो इलीगल तरीके से पार्किंग की जा रही है इस पर कार्रवाई कब करती है, क्योंकि ट्रैफिक विभाग भी लापरवाह दिख रही है, वो भी कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रही है और न ही मनपा के कर्मचारी इस तरह के जो इलीगल पार्किंग किए हैं उस पर भी कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है। एक बात आपको और बताना बेहद जरूरी है, जिस तरह से मुंब्रा शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन आपको दूर दूर तक कहीं भी ट्रैफिक कांस्टेबल या ट्रैफिक विभाग का कोई भी कर्मचारी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर हम बात करें मुंब्रा बाईपास की तो जितने भी ट्रैफिक कांस्टेबल हैं वो आपको मुंब्रा टोल नाका वाई जंक्शन और रेती बंदर यहाँ पर आपको ट्रैफिक हवलदार बराबर मिलेंगे, लेकिन मुंब्रा शहर में जहाँ ट्रैफिक की समस्या है, जहाँ से इन रोड रास्तों से जो लोग गुजरते हैं यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक विभाग का कोई भी हवलदार कभी भी मौजूद नहीं रहता है। अगर बात की जाती है कि आखिर ट्रैफिक जो मुंब्रा शहर के जो ट्रैफिक के इंचार्ज है उनसे भी हमने इस मसले पर कई बार बात किया कि आखिर क्यों नहीं मुंब्रा शहर में जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक हवलदार रहते, तो उनका यही जवाब होता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। लेकिन वाई जंक्शन हो गया और टोल नाका हो गया, रेती बंदर हो गया, यहाँ पर एक एक समय में पांच पांच छह छह हवलदार एक ही जगह पर बराबर मौजूद रहते हैं, लेकिन मुंब्रा शहर में जहाँ से लोग गुजरते हैं यहाँ पर ट्रैफिक विभाग का कोई भी कांस्टेबल नजर नहीं आता है। क्या कहेंगे, जिस तरह से ट्रैफिक जाम हो रही है शहर में, एक भी
कांस्टेबल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। उस तरह से ये ड्राम लगाकर जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इलीगल पार्किंग यहाँ पर हो रही है और एक तरफ हॉकर एक तरफ इलीगल पार्किंग, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह से ये क्या कंट्रोल ऐसे ट्रैफिक हो पाएगी? मैं तो पहली बार तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग का, प्रभात टाइम का, कि आप लोग आगे कुछ एक्शन तो ले रहे, मीडिया में तो डाल रहे, कुछ तो बोल रहे मुमरा के लिए, लेकिन यहाँ पर ना कोई पुलिस वाला खड़ा रहता है और ना ये ट्रैफिक हल होती है। यहाँ की ट्रैफिक राइट की लेफ्ट में हो जाती है, लेफ्ट की ट्रैफिक राइट में हो जाती है। तो एम्बुलेंस इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट रहेगा तो वो जाएगा कैसे इमरजेंसी में, ये मेरे को बताइए। चलो तुम्हारे खान साहब के पास तो गाड़ी है, मेरे पास चार टांगों के मैं फोर व्हीलर नहीं निकालता हूँ, लेकिन दूसरा जो इमरजेंसी पेशेंट है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई कोविड 19 का है, तो कैसा पहुंचेगा इमरजेंसी? दो दो तीन तीन घंटे आपको यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है। हमारे खान साहब ने ऊपर भी लेटर मारे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना यहाँ पर कोई ट्रैफिक वाला खड़ा रहता है। जो इलीगल पार्किंग है इसके बारे में क्या? इलीगल पार्किंग तो ऐसा खड़ा करके रखे तो बिल्डिंग तोड़ के फायदा ही क्या हुआ, ये मेरे को बताइए आप। कार्रवाई करके मतलब क्या हुआ? इतनी बड़ी कार्रवाई करे रोड पे बिल्डिंग थी, सब लॉकडाउन में पूरा ब्रेकडाउन किए लोग ने, तो पार्किंग ला के खड़ा कर देते तो मतलब ही क्या हुआ? अरे भाई ट्रैफिक का मतलब ही क्या हुआ? ये हटा के जो पार्किंग यहाँ पे हटा के, अगर ये पार्किंग हट जाएगी तो खुद ना खुद चौड़ा हो जाएगा रोड। क्या कहेंगे जो ड्रम लगाया गया है, ये ड्रम के हाथ लगाए कल निकल जाएगा ड्रम? ये ड्रम जो लगा ले इसका प्रोफेशनल कुछ रास्ता निकलना चाहिए, या ट्रैफिक वाले दो तीन ट्रैफिक वाले खड़े रहना चाहिए, तो जब वो बात बनेगी, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो है इब्राहिम भाई, हम उनसे भी बात करते हैं। इब्राहिम भाई, जिस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रही थी, स्थिति पैदा हो रही थी, ये ड्रम मनपा की तरफ से मिट्टी भर के रस्सी बांधकर लगाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर डिवाइडर बनाना जरूरी है या इस तरह से टेम्पररी ड्राम रखना जरूरी है? पहले भी इस तरह के ड्राम रखे गए थे, वो टीन के ड्राम थे, वो रास्तों पर गिर गए, गिरने की वजह से उनको भी आने जाने वालों को और तकलीफों का सामना करना पड़ा। दोबारा ऐसे ड्राम जो है यहाँ पर रखे जा रहे हैं? नहीं देखो, ये ड्राम पर जो रखा हुआ है ये टेम्पररी बेस पे रखा हुआ है, क्योंकि डिवाइडर जो आएगा रोड के सेंटर में आएगा। अब दोनों जगह रोड वाइंडिंग हो गई है, लेकिन इसका काम अभी कॉन्क्रीट का बैलेंस पड़ा हुआ है, मानसून की वजह से और लॉकडाउन की वजह से ये काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी जैसे ही दोनों साइड का कंक्रीट फिल हो जाएगा तो डिवाइडर सेंट्रलाइज बना के लेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की बहुत हद तक समस्या कम होगी। मैं ये नहीं बोलता कि सॉल्व होगी, लेकिन कम जरूर होगी। और रही बात ये बहुत जगह जो इलीगल पार्किंग रहती है, मैं प्रशासन से ट्रैफिक डिपार्टमेंट से एक अपील करता हूँ कि ये जो ट्रैफिक की समस्या है, जो पार्किंग कहीं कहीं तो तीन तीन गाड़ी एक के पीछे एक लगी रहती है, तो इसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेके गाड़ियों को जो यहाँ से सबसे पहले हटाए, यहाँ से लेके आप मुमरा तक जाएंगे तो देखो सिर्फ आपको ये ट्रैफिक की पार्किंग, ये लोगों ने कितना 20% 25% रोड तो ये पार्किंग में ही घेरा हुआ है। अगर ये भी यहाँ से हटता है तो इसके हमारी 20-25% ट्रैफिक का मसला हमारा हल सॉल्व हो जाएगा। और ये डिवाइडर का मसला, ये रोड अगर पूरा कंप्लीट दोनों तरफ से हो जाता है कॉन्क्रीट फील होने के बाद में, सेंट्रलाइज डिवाइडर बन जाएगा इंशाल्लाह। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि खबर दिखाने के बाद जिस तरह से अब ड्राम लगाकर कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या मनपा और ट्रैफिक विभाग जो अवैध तरीके से पार्किंग की जा रही है उस पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। कैमरामैन जावेद के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।